अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स ठीक है दो फ्रैक्शन की वैल्यू एक फ्रैक्शन दी है ठीक है या तो आप कॉमन मल्टीपल ले लो इफ यू टेक कॉमन मल्टीपल फिर भी आप सॉल्व कर लोगे नहीं तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस द बेस्ट वे इज ये जो फ्रैक्शन है ना इसको किसी कांस्टेंट से कंपेयर करो इज इक्वल टू के ठीक है फिर एक एक करके वैल्यू कंपेयर करो ठीक है सो ए विल बी इज इक्वल टू ए विल बी इज इक्वल टू सिक्स के ठीक है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे ओके okay? इस तरीके से भी कर सकते हैं और एक और तरीका है दूसरा तरीका क्या है ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी इजिकल टू वन इज टू सिक्स ठीक है अगर आप कॉमन मल्टीपल लोगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स सिमिलरली सिमिलरली सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी एक्स ओके okay, क्योंकि तीनों सेम है ना रेशियोज उसी तरीके से बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिक्स एक्स और डी की वैल्यू भी कितनी जाएगी सिक्स एक्स ये वैल्यूज आप रखो ओके okay? इस एक, इस एक्सप्रेशन में रखो इफ यू विल पुट दिस वैल्यू इन द गिवन एक्सप्रेशन ओके अगर आप ये वैल्यू रखोगे इस तरीके से यहाँ रखता हूँ मैं ठीक है सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज अगेन एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बी स्क्वायर इज सिक्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स का होल स्क्वायर टेक एक्स स्क्वायर ना वो कॉमन वो कैंसिल हो जाएगा ऊपर से भी नीचे से भी ठीक है तो मैं पहले ले लेता हूँ तो ऊपर तो आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा और थर्टी सिक्स प्लस थर्टी सिक्स सेवेंटी टू ठीक है एक्स स्क्वायर एक्स स्क् एक्स स्क्वायर कैंसिल योर आंसर विल बी वन बाई थर्टी सिक्स ओके सी इज द राइट आंसर